इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज भी कई सारी तंजीमें खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ दूर दराज तक जहाँ पर भी नुकसान हुए हैं पानी की वजह से, वहाँ जाकर वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से, जो ये पीछे देख सकते हैं कि जो घर जो चीज़ों को जमा किया गया है, जिसे स्क्रैप जो जमा किया गया घर घर जाकर, तकरीबन बेलगाम शहर के मुख्तलिफ कई सारे मोहल्ले से ये इमदाद, इसी को जो है वो फरोख्त करके जो भी रकम इसमें से बरामद होती है, इसी से जो भी नुकसान हुए बाढ़ की वजह से, उन्हें वो ये रकम पहुंचाएंगे और राहत का काम को अंजाम देंगे। इसी तरह से हम दुआ करते हैं कि ये जो नौजवान उठे हैं इस तरह के कामों को लेकर, कई सारी तंजीमें खुसूसन मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन, इस तरह के काम माशरे में बार बार होते रहे, दिगर भी परेशानियां माशरे के अंदर आती हैं तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर इस तरह की नौजवान उसमें अपना ताउन करते रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन शहर बेलगाम का तमाम इदारों के एक रिलीफ इस पहली मरतबा शहर बेलगाम में जो तमाम इदारे इसमें हैं, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो सैलाब में बारिश में जो घर से बेघर हो गए हैं उनकी मदद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो काम हुआ है वो काबिले सताई। अभी आपने इकबाल जकाती के साहब के वीडियो में जो स्क्रैप देखा है, एक शहर बेलगाम का एक पहला कहिए इस तरह का काम, एक सफा ट्रस्ट के जरिए से हैदराबाद में काम होता है। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से हम तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम बच्चे जमात के माहौल लेके, जमात के लोग और एनजीओएस सब मिलकर मेहनत करें, इतना स्क्रैप जमा हुआ है। और हम बोलने के बाद में, हमारे एक ऐलान जाने के बाद में, घर के सब कुछ जो स्क्रैप में डालने का जो सामान है वो हम तक पहुंचा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मकसरत। तमाम बिरादरान बेलगाम को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारा ताउन किया। बेलगाम वेलफेयर ट्रस्ट की फाउंडेशन की तरफ से हम तमाम उन तमाम माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो अपने घर के कीमती सामान को हम मुतासरीन के हक़ में अदा किए। अल्लाह ताला इसको खैर बरकत के साथ, आफियत के साथ पूरा कराए और हमारे तमाम भाइयों को इस्तकामत अता फरमाए, नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला उन तमाम मेहनत करने वालों को कबूल फरमाए जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस तमाम स्क्रैप को जमा करने में हमारी मदद फरमाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाजरीन, ये जो हालात आए हैं, ये हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो बेलगाम के नौजवान बहुत सी तंजीमें जो हाथ बटाया है, हर हर घर जाकर, हर हर दुकानों को जाकर जो चंदा वसूल किए हैं, मस्जिदों में, मदरसों में, जहीं भी जो है कि नहीं जो चंदा किए हैं वो ज़रूरतमंद को आई कि नहीं वो पहुँचाने की जल्द से जल्द फिक्र कर रहे हैं।